बड़ी खबर शिवपुर के कराहल तहसील से आ रही है, जहां रामगरण जाटव निवासी खिरखिरी ने कराहल निवासी एक नाबालिग मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। सूत्रों की माने तो रामकरण जाटव विक्षिप्त को सोनीपुरा के जंगल में ले गए और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जहां घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी को मेडिकल के लिए कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मानसिक विक्षिप्त लड़की की बड़ी बहन का कहना है कि मेरे पास पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपकी लड़की को रामकरण जाटव उठा कर ले गया, फिर हम लोगों को जंगल की ओर रामकरण उसका पीछा करने के लिए दौड़े, तो आरोपी रामकरण जाटव का पीछा करते हुए हम लोग सोनीपुरा के जंगल में पहुंचे, जहां लड़की अचेत अवस्था में सोनीपुरा के जंगल में पड़ी मिली और आरोपी नग्न अवस्था में वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। जहां घटना की सूचना के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस की कार्यवाही जारी है। वहीं ऊर्जा हेल्पलेक्स प्रभारी कीर्ति रजावत ने मामले में तत्परता से एक्शन लेते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि आरोपी पर बड़ी धाराओं में कार्यवाही करते हुए 376(2)(l) में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त और मुखबाधित लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रामकरण जाटव को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। फरियादी आया था थाने पे, उसने सूचना दी थी कि उसकी छोटी बहन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसके साथ गलत काम किया है और उसको उठा के ले गया था मोटरसाइकिल से, जो सोनीपुरा के जंगल में मिली थी संदिग्ध स्थिति में। तो उस पर से मैंने 376(2)(l) की FIR पंजीबद्ध कर दी, पुलिस ना जा रही है।